मॉर्निंग व्यूअर्स, चलें आज मैंने सोचा कि मैं आपको अपना मॉर्निंग में जो मैं अपने लिए सैंडविच बनाती हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ अपने स्टाइल से अपने लिए। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास इंग्लिश मफिन है जिसे मैंने बीच में से कट कर लिया है। अब हम 1 टीस्पून पैन में ऑयल डालेंगे, ताकि मैं ऑयल कम यूज़ करती हूँ। आपको पता है हर कोई डाइट के हवाले से कॉन्शियस हुआ हुआ है, तो इस वजह से। अब अपनी चिकन से हम 2 एग मांगते हैं। हमें मुझे ये चिकन बहुत पसंद है। ये मैंने कहीं मैं कंट्री से बाहर गई थी, मैंने वहाँ से ख़रीदी थी, और मेरी फ्रेंड जब मेरे घर आती हैं और उन्हें बहुत पसंद आती है कि ये बड़ी अच्छी लगती है रखी हुई। तो अभी इन चिकन बेगम से हम 2 एग मांगते हैं। पहले इसको हम पैन में डालते हैं। बहुत इजी है और बहुत मज़े का बनता है ये, और हेल्दी भी है। देखिए, ऐसे 2 चिकन डाल दिए हमने। अब इसके अंदर हम इसको ऐसा आंच पे ज़रा सा, इसकी जर्दी को हम थोड़ा सा तोड़ लेंगे। उसके बाद जब ये थोड़ा सा ऐसा आंच पे पक जाएगा, पंटा शुरू हो गया पकना, ऐसे तो बहुत लोग स्पैचुला यूज करते हैं बनाने में, लेकिन मुझे हमेशा से आदत है स्पून की। तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि स्पून यूज कर रही हैं, मुझे मेरे हाथ को आदत हो गई है तो मैं उसी से कंफर्टेबल होती हूँ। आप लोग को स्पैचुला से यूज बनाना है, जिससे बनाना है, जैसे आप लोगों की हैबिट होती है, हर इंसान की अपनी है, आप वैसे यूज़ करिए। अब इसमें मैं थोड़ा सा चेडर चीज़ यूज़ कर रही हूँ जो श्रेडेड है, किसी भी आपको बड़ी सुपरमार्केट से मिल जाएगा। थोड़ा सा अब ये हो जाए तो इसको हम फोल्ड कर देंगे। आँच ऐसा रखिएगा, वरना ये कि वो हार्ड हो जाएगा तो फिर वो मज़ा नहीं देगा आपको। अब ये हमने इसको फोल्ड कर दिया, थोड़ा सा इसको हम प्रेस करेंगे। एक दफ़ा हम इसको इधर से भी फ्लिप करेंगे, ताकि ये और अच्छी तरह से हमारा कुक हो जाए। देखिए, ये सही से कुक हो गया है। अब हम इसको इसके अंदर, अपने मफन के अंदर, इंग्लिश मफन के अंदर इसको हम ऐसे रख लेते हैं। अब हम ज़रा सा 1/2 टीस्पून के करीब एक ऑयल ज़रा सा और डालेंगे। वैसे तो लोग व्यूवर देखिए कोल्ड कट्स ऐसे भी खाते हैं, यूज़ करते हैं, लेकिन मुझे पसंद नहीं है, तो मैं अपने लिए थोड़ा सा उसको हॉट पैन में कुक कर लेती हूँ। तो मुझे लगता है टेस्ट ज़्यादा अच्छा उसका आता है। तो इसको थोड़ा सा हम ऐसे कुक करेंगे एक तरफ से। अब हम इसको थोड़ा सा ऐसे कर देंगे, पलट देंगे, थोड़ा सा इधर से भी करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि मैंने सॉल्ट एंड पेपर वगैरह कुछ नहीं डाली, तो मुझे ये कोल्ड कट्स के साथ ऐसे ही अच्छा लगता है। कोल्ड कट्स का फ्लेवर इसके साथ फिर बहुत मज़े का आता है, तो मैं इसके अंदर ना सॉल्ट डालती हूँ और पेपर भी नहीं डालती हूँ। आपको अगर पसंद है तो आप एग के अंदर, जब आप एग डालेंगे तो उसके अंदर आप सॉल्ट एंड पेपर ऐड कर सकती हैं। देखिए, ये कुक हो गया। अब इसको हम इसके ऊपर रखेंगे और ये इसको हम ऐसे कवर कर देंगे। देखिए, ये हमारा मॉर्निंग का मेरा सैंडविच तैयार हो गया है। ये बहुत मज़े का भी लगता है, हेल्दी भी है, इसमें आपके लिए प्रोटीन भी है और कार्ब्स भी हैं। और ये मैंने अपने लिए कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी बनाई है। तो आप भी बनाइए, ट्राई करिए मेरे स्टाइल से। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल और थम्सअप दीजिए। ओके व्यूअर्स, बाय बाय।